क्रिकेट के मैदान पर ऐसा कमी देखने को मिलता है कि विकेट कीपर भी गेंदबाजी करें। चलिए अगर ये कभी कभार देखने को मिल जाता है तो विकेट कीपर भी विकेट ले ले, ऐसा संयोग तो कमी बनता है। भारतीय क्रिकेट इतिहास की बात करें तो इनमें से सिर्फ दो विकेट कीपर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने का कमाल किया है। धोनी ने वनडे क्रिकेट में एक विकेट लिया है तो टेस्ट में भारतीय विकेट कीपर के तौर पर सैयद किरमानी ने उपलब्धि हासिल की। धोनी और सैयद किरमानी के अलावा भारत के अन्य किसी विकेट कीपर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने का कमाल नहीं किया है। भारतीय विकेट कीपर के तौर पर धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में विकेट लेने का कमाल सिर्फ एक ही बार किया था और वो इस उपलब्धि का हासिल करने वाले फिलहाल इकलौते खिलाड़ी हैं। धोनी ने अपने वनडे करियर में अब तक 350 वनडे मुकाबले खेले हैं और उन्होंने इस दौरान कुछ मौकों पर गेंदबाजी की और एक विकेट लेने में भी सफल रहे। विकेट कीपर के तौर पर गेंदबाजी करते हुए वनडे में विकेट लेने वाले वो भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं। धोनी ने अपने वनडे करियर में कुल 6 ओवर गेंदबाजी की जिसमें उन्होंने 31 रन देकर एक विकेट हासिल किया। उनका बेस्ट प्रदर्शन 14 रन देकर एक विकेट रहा है। धोनी ने 30 सितंबर 2009 को वेस्टइंडीज के खिलाफ जोहानिसबर्ग में विकेट लिया था। उन्होंने 2 ओवर में 14 रन देकर एक विकेट लिया था। उन्होंने जून 20 2013 को श्रीलंका के खिलाफ कार्डिफ में 4 ओवर गेंदबाजी की और 17 रन दिए थे। इस मैच में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। वहीं भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपर के तौर पर गेंदबाजी करते हुए एक विकेट लेने वाले कमाल सैयद किरवानी कर चुके हैं। किरवानी ने अपने टेस्ट करियर में 3.1 ओवर गेंदबाजी की थी और 13 रन देते हुए एक विकेट लिया था। किरवानी ने यह कमाल पाकिस्तान के खिलाफ नागपुर में किया था और 2 ओवर में 9 रन देकर एक विकेट लिया था। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।